करते हो उसी को कर्म कहते हैं। और ये कर्म जो होते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं। और बुरे कर्म जो होते हैं उसी का रिजल्ट बुरा निकलता है। दोस्तों कर्म के लिए बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ उसके ऊपर है, मगर आपको सिंपली मैं आपको बताऊंगा कर्म कैसे किए जाते हैं और कर्म करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, कर्म अच्छे कैसे बनेंगे। तो कर्म अच्छे बनने के लिए आपके पास आपके विचार अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे विचार हो जाते हैं तो कर्म अच्छे बन जाते हैं। एक्चुअली कर्म को आपको सोच के करना होगा। कर्म ऐसा है दोस्तों आपने एक बार किया ना, वो एक बार किया ना वो पूरे यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाता है। आप कर्म करते हैं आपको पता नहीं लगता है ये कर्म का क्या होने वाला है करके। दोस्तों कोई भी काम आप करते हो ना उसी का इफेक्ट ना हजारों गुना हो जाता है। इसीलिए कर्म करते समय आपको सावधानता बरतनी चाहिए। कर्म ऐसा किया जाता है कि कर्म से अपना भी भला हो और समाज का भी भला हो, ऐसे आप कर्म करो। अगर ऐसे कर्म करते हो तो अपने जीवन में अच्छा लाभ होता है। अभी कर्म के प्रकार हम लोग देखते हैं, दो प्रकार के कर्म हम ब्रॉडली हम लोग देखते हैं, मुख्यत्वे दो प्रकार के कर्म हम देखते हैं, एक सत्कर्म होता है और एक विकर्म होता है। सत्कर्म जब भी आप करते हो तभी आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो जाता है, और आप बुरा कर्म करते हो तो आपके लाइफ में बुरा ही बुरा होता है। देखो ये सृष्टि का नियम क्या है, सृष्टि का नियम ये है दोस्तों कि जो आप कर्म करते हैं उसी का आपको हजारों गुना आपका रिटर्न मिलता है। आप बोलेंगे कैसे, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने एक आम का झाड़ लगाया, एक पौधा लगाया, उसी को फिर आपने आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद वो जो बड़ा ट्री होता है, वो बड़ा झाड़ होने के बाद उसके ऊपर जो आम लगते हैं ना, आपने लगाया था एक पौधा एक बीज, और उसी को हजारों गुना उसके ऊपर आम के क्या आ गए, फल आ गए। दोस्तों ये सृष्टि का नियम जो है अपना वनस्पति प्राणियों के अंदर कर्म अप्लाई हो ही रहा है। मैं अगर अपने अंदर वो कैसा अप्लाई होगा मैं बताता हूँ। सपोज़ आपने कुछ भी काम किया और वो कर्म कैसा दुगना हो जाता है हम लोग देखेंगे। सपोज़ आपने किसी को दो चार गालियाँ दे दी, एक गाली दी तो सामने वाला आ गया और आपको 10 गाली दी, ऐसा आपने लाइफ में बहुत बार देखा होगा। मगर एक देने से आपको 100 मिलते हैं। मगर ये ऐसा ही नियम है कि जो आप काम करते हैं उसी का आपको 100 गुना या 1000 गुना होता है। मतलब जो रूल है कि एक्शन एंड रिएक्शन मल्टीप्लाइड एंड मैग्नीफाइड, मतलब जो आप क्रिया करते हो उसकी रिएक्शन जो है ना मल्टीप्लाई होके अपने जीवन में वापस आ जाती है। दोस्तों ये सच बात है, इसी को हम देखते नहीं। और अपने लाइफ के अंदर हम लोग ना एक सूक्ष्म रूप से हम लोग उसको आप देख लीजिए, अपने लाइफ में जो बुरे थॉट्स आते हैं। सपोज किसी के पास बहुत पैसे हैं, वो पैसे देख करके कभी कभी अपने को बुरा लगता है, ऐसा फीलिंग्स आ जाता है, अरे उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना घर है, उसके पास इतना गाड़ी है, इसके बैंक बैलेंस इतने हैं और इसके पास इतने सारे गहने हैं। ये सब सारी मन में चीज़ें आती है और अपने मन में ना घृणा आ जाती है, क्यों भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया। तो हम उसी के बारे में सोचते हैं, भगवान इसी का ना इसी को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मन में बुरे विचार आते हैं, संकल्प चलते हैं, अरे इसका ये जो है ना ये कर रहा है ना इसका बुरा होने दो, इसका बर्बादी होने दो, ऐसा आपके मन में या किसी के मन में ऐसा विचार आता है। अगर ये विचार आपके मन में आता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो आपके अंदर ही सीमित रहता है? नहीं दोस्तों, ये विचारों का ना एक ना सराउंडिंग बन जाता है। अभी आपने सपोज एक खड्डा लिया
और खड्डा लेकर के एक खड़ा मतलब एक डगर ले लिया और एक शांत नदी के अंदर आपने वो खड्डे को डाल दिया, तो धीरे धीरे ना वहाँ पे ना एक ऐसी सर्कल धीरे 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 फैलती जाती रखती है और फिर से ये फैलती 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 जाती और वहाँ पे फिर मिट जाती है। दोस्तों ऐसे विचार भी है ना आपके मन में होते हैं ना, तो एक बिंदु के समान होते हैं, धीरे 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 प्रकट होना शुरू होते हैं और चारों दिशा में वो फैल जाते हैं। तो आपका सोचना भी ना, आपका बोलना भी, आपका सोचना बोलना करना ये विश्व के ऊपर रिफ्लेक्ट कर ही रहता है। तो दोस्तों ये काम करते समय, सोचते समय आपको दूसरे का भी कभी बुरा सोचना नहीं है। अगर सोचेंगे तो उसी का इफ़ेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्शन करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। आपने किसी के कान के नीचे लगाया तो दूसरे दिन वो आपके कान के नीचे लगाएगा। दोस्तों आप जो सारी चीज़ें करते हो वो आपको मालूम नहीं है इसलिए करते होंगे, मगर आपको आज से मालूम हो गया कि कर्म का सिद्धांत ये है, जो है कर्म करते हैं वो अपने ऊपर वापस सर के आ जाता है, वापस अपने पर बुमरैग होता है। बुमरैग मतलब सो घूम करके आ जाता है और ये घूम के आने के वजह से अपने को अपने लाइफ में बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों सोचते समय भी अपने बारे में भी अच्छा सोचो, वैसे दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। आप बोलेंगे कि ये भाई बहुत ये दूसरों के बारे में अच्छा सोचना मुझे जमता नहीं है और ये मुझे डिफ़िकल्ट है। सही है दोस्तों, ये सही है, आपने जो बोला, आपने आपको जो लगता है वो सही है। दूसरे के बारे में सोचने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने के लिए मेहनत लगती है। मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ कि आपने समझो ऐसा आपने सोचा कि सभी को बहुत सारी संपत्ति मिल जाए, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़, अच्छा अच्छा विचार, अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, वैसा सामने वालों को भी चाहिए होता है। मगर आप ऐसा सोचो ये सब सारी चीज़ें हैं ना सामने वाले को भी मिलने चाहिए, बिंदास सोचो सामने वो मिलेगा, जो भी आपके सामने आएगा ना तो उसको बोलो ये जो चाहिए ना सब चाहिए उसको, उसको गाड़ी मिलने दो, उसको घर मिलने दो, उसको बहुत सारे पैसे मिलने दो, उसी को सोना मिलने दो, उसी को धन धान्य मिलने दो, प्रॉस्पेरिटी, सब सारी प्रॉस्पेरिटी के बारे में आप बात करेंगे। दोस्तों प्रॉस्पेरिटी के बारे में आप सोचेंगे ना तो अपने लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपने अच्छा सोचा इसलिए आपको अच्छा मिला। अगर आपने अच्छा नहीं सोचा और कुछ बुरा सोचा तो आप प्रॉस्पेरिटी की जगह ना पावर्टी आएगी, मतलब गरीबी बोलते हैं, वो गरीबी आएगी। गरीबी क्यों है? गरीबी ये एक प्रकार की बीमारी है, मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि जिसके माइंड में गरीब है करके उसने अपने मन को बोला तो लाइफ टाइम तक वो गरीब रहेगा। क्यों दोस्त? क्योंकि गरीब ये शब्द जो है ना बहुत सारी बुरी चीज़ें ना अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने पास बुलाता है। और ये क्यों होता है कि दूसरे का बुरा सोच के दूसरे के बारे में बुरे बुरे विचार छोड़ के, दूसरे के बारे में बुरी बुरी चीज़ें करके अपने लाइफ में वो रिएक्शन भी बुरे पाता है। दोस्तों आपको ये बात, और ये बात कैसी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों आप एक जंगल में खड़े हो, सामने बड़ी पहाड़ है और जा करके जोर से चिल्लाना आप अपना नाम। सपोज मेरा नाम है सदानंद, मैं आया हूँ, तो सामने से आपको एक वैसी की जैसी आवाज़ वापस करके आएगी, मतलब इको आएगी, मतलब वापस से करके आपको सुनने को आएगी, क्योंकि वो जाकर सामने वाले अपना जो पहाड़ के ऊपर टकरा के फिर करके वापस आई। तो दोस्तों ये सृष्टि का नियम है कि जो चीज़ आप करते हो फिर आपके लिए वापस आती है। तो ये भी आवाज़ भी जैसे वापस आ जाता है ना,
दोस्तों वैसा ही मैं आपको समझाता हूँ कि अपन जो सोचते हो, जो भी कुछ सोचते हो ना अपने लाइफ में, वैसा ही होता है। तो आपको मैं बोलता हूँ, आज से आप ये सोचना शुरू करो कि मैं जो सोचूंगा मेरे अच्छे के लिए सोचूंगा, दोस्तों के लिए अच्छा सोचूंगा, अपने समाज के लिए अच्छा सोचूंगा, अपने भाइयों के लिए अच्छा सोचूंगा। और फिर ये सोचने का परिणाम क्या होगा दोस्तों, आपको बुमरैग होकर के, आपको घूम के अपने लाइफ में वो चीज़ आप दूसरों के बारे में मनो मन सोचा है, शुभ चिंतन किया है, वो शुभ चिंतन अपने लाइफ में आ ही जाएगा। अगर आपने दुश्वास के भाव, द्वेष के भाव और कुटीर भाव और ऐसे भाव अपने माइंड में रखे तो दोस्तों अपने लाइफ में क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला। तो दोस्तों अपने लाइफ को सुधारने के लिए ना अपने विचार को सुधारने की ज़रूरत है, और ये विचार जो है ना पॉजिटिव ऐसे बनेंगे और कर्म भी वैसे बनेंगे। मतलब कर्म का सिद्धांत है, कर्म जो करेंगे, जो कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा फल, कर्म बुरे करेंगे तो बुरा फल, ये मैं आपको बोलता हूँ। दोस्तों ये कर्म जो है ना आपको समझ में नहीं आता है। अभी देखो, किसी ने किसी को दान किया, दान करने के बाद वो भगवान के पास रिकॉर्ड होता है, ये सृष्टि के पास, सृष्टि के अंदर रिकॉर्ड होता है। और सृष्टि का नियम क्या बोलता है, चलो एक रुपया दिया ना उसी का 100 गुना वापस आ जाता है, इसीलिए लोग दान धर्म करते हैं। दोस्तों जो दान धर्म करते हैं ना अच्छी जगह पे, उनको फिर रिटर्न भी अच्छा आता है। आपने कभी देखा है जो देने वाले के पास कभी कम पड़ा हुआ है? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसने दे दिया, वो अच्छे दिल से दे दिया तो उसके पास 100 गुना वापस आ गया। तो दोस्तों ये कर्म जो ऐसे है, वो कर्म आपको बहुत सारा, आपको उसी के ऊपर विचार करना चाहिए। कर्म मन के अंदर होते हैं, कर्म हाथ से होते हैं, कर्म दूसरे से करवाए जाते हैं, कर्म कहाँ कहाँ से नहीं किए, कर्म मतलब कर्म जो कर्म जो है करते रहते हैं। इसी के लिए ना अपने पहला आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ जो अच्छा है या बुरा है, लोगों के हित में है या मेरे हित में है, और किसी के हित में नहीं है तो किसी के हित में है। तो ये कर्म आपको ऐसे करना चाहिए, आपको शुभ चिंतक बनने का यही उपाय है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वो दूसरे के लिए आप चाहो, जो चीज़ आपको चाहिए ना वो दूसरे के लिए चाहो। अगर आपने ऐसा करना शुरुआत किया कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी तो मैंने मेरे दोस्त के लिए भी चाहिए, उसके लिए भी वो मिलना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो अपना लाइफ जो है ना सुमधुर सुंदर होगा, और अपने लाइफ में जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। कर्म के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, और कुछ मैं बातें लेके आऊँगा, और दूसरा कर्म के अंदर भी आपको और एक भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। और ये जो है ना आपको आज से क्या करना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, और अच्छे कर्म करते रहना है। थैंक यू।